कुत्ता ने कुत्ता की भाषण समझा एक रूम में आ कहना चाहिए डांगे अठे तीन गाड़े छोटी लाती ना तो माँ का बोड़े पर गाड़े तीन के वहां से ले रहे हूँ थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा आपको वीडियो का। मैं काफी वक्त से सोच रहा था इस टॉपिक को कवर करने की, बट अपने पर्सनल ओपिनियन देने से बच रहा था। सो फाइनली एक समाज सेविका है जिन्होंने इस पर अपनी बेबाक राय रखी और कंडम किया इस तरीके की घटनाओं को। नागौर में विशाल गौशाला का संचालन करने वाले कुशाल गिरी जी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और वो पहचान उन्हें किसी अच्छे काम को नहीं करके अभी तो उन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी से मिली है। ये लगभग पिछले 14 वर्षों से अपनी गौशाला में गायों की देखरेख कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, परंतु ज़्यादातर लोग खासकर यूथ इन्हें उनके धकोजरबार कार्ड और फूलचंद थारू साहबगरन जाते रहिए वाले डायलॉग से जानते हैं, जिसमें काफ़ी अभद्र भाषा बोली है इन्होंने। आपने जो शुरू में एक वीडियो देखा है वो भी इन्हीं का है, इससे पहले का भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था उनका। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपने विचार रखे हैं किसी ने, हैव अ लुक। जय श्री राम। महाराज वेनी जका ना तो गाड़ काटे ना ही मुंडा कोजा बोले, क्योंकि महाराज वे जका आपकी भाषा में बहुत संयम रखे, बहुत ही मीठो बोले, शुद्ध बोले, सार्वजनिक मंचा माते कित बोले नी तो छोटे मोटे को लुगई मिनक को पूरो ज्ञान रखे। हूँ थान पूछना चाहूँ के महाराज ने सार्वजनिक मंचा माते को जो हुगलो बोलने की परमिशन है, मन में आवे जू वो कि नहीं की कही सके। महाराज सबु पहला जब भी कोई महाराज बने नी तो वो आपके इंद्रियां पर कंट्रोल करिया करे, जके ने कदी रीस नहीं आया करे, जके हिर में बलाई होठ की टेक दो नी तो वो मुड़ कर कही की बात को गलती होगी। जका हूँ महाराज में और पाखंडी महाराज में फर्क करनो ही को, धर्म को सम्मान करो, भगवे को आदर करो। कॉमेडी मौज मस्ती के पर्सपेक्टिव से इन सबको देखे तो कोई गुरेज नहीं है, बड़ा कूल लगता है लोगों को, परंतु फूलचंद जैसे लोगों पर क्या गुजर रही होगी कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। एक वक्त था जब साधु संत कोसों दूर रहते थे इन सबसे, पर अब के हाईटेक जमाने में सब कुछ बदला बदला सा है। फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ाई जाती है देखे उसका वीडियो। 28 दिसंबर को नागौर ही रहूंगा। प्रत्येक युवा, छात्राओं, मातृशक्ति व बुजुर्ग व्यक्ति सब छोटे बड़े फैन आ रहे हैं। प्रत्येक फैन को बॉस की पुस्तक, चॉकलेट, बॉस का चाबी छल्ला, तिलक द्वारा स्वागत, चाय व राबड़ी की मनोहार, कैमरे से फोटो, भजन के द्वारा स्वागत तथा बॉस के हिसाब से फोटो, वीडियो, सेल्फी, और अगर जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था है, इत्यादि जमई राजा की तरह है। आपका स्वागत सम्मान किया जाएगा। आप फैन की सेवा में मेरी पर्सनल टीम और मीडिया वाले भी उपस्थित रहेंगे। ऑल्दो मैं राजस्थान की एंटरटेनमेंट जगत की अपडेट्स देता हूं और कुछ हद तक यहां पर भी वही चल रहा है। बाकी आप सभी का क्या विचार है, मेक श्योर टू पुट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।